नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊ द ललन टॉप डॉट कॉम पर। हमारे एक पड़ोसी बड़े गुस्सेल थे, हमेशा उनका बीपी हाई रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो किसी से लड़े ना हो। जितनी बार भी लड़कर वापस आते थे, अपना कोई ना कोई नुकसान करके आते थे। कभी बिजनेस क्लाइंट हाथ से गवा देते थे, कभी खुद की नाक तोड़ लेते थे। हमेशा उनकी नौकरी खतरे में रहती थी, पर हर बार उनकी पत्नी उन्हें बचा लिया करती थी, मिन्नतें कर उन्हें दूसरों के कॉलर से छुड़ा लेती थी। वो हमेशा अंकल को अंकल से बचाती रही। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें बचा लेते हैं, ट्रैफिक में दो लड़ते हुए लोगों को छुड़ा लेते हैं, स्कूल में दो लड़ते हुए दोस्तों को शांत करा लेते हैं। ये लोग रिश्ते बचा लेते हैं। सर्फ एक्सल के नए होली वाले एड में क्या होता अगर बच्ची बीच में ना आती। इबादत करने जा रहे बच्चे पर रंग पड़ता, और चूंकि इबादत साफ और धुले कपड़ों में करने का रिवाज है, बच्चा नमाज ना अदा कर पाता। शायद गुस्से में छत पर सबके साथ जबरन होली खेल रहे बच्चों से लड़ पड़ता। चूंकि वो अकेला था, मुमकिन है वो पिट कर आ जाता। मुमकिन ये भी है कि वो रोते हुए भाग जाता। दोनों ही वाकयों में वो बुली होता, पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होली का त्यौहार हमारे लिए एक ही मकसद लेकर आता है कि सबको रंग लगाना है, बिना ये समझे जाने कि अगला इसके लिए तैयार है भी या नहीं। मैं हमेशा ऐसे इलाकों में रही हूँ जहाँ खूब रगड़ कर होली खेली जाती है। बच्चे यही सीखते हुए बड़े होते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ना है। ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला एटीट्यूड कब हिंसा में बदल जाता है मालूम नहीं पड़ता। यही हिंसा कब शोषण और यौन शोषण में बदल जाती है मालूम नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो भी इस वक्त सर्फ एक्सल के ऐड के खिलाफ बोल रहे हैं वो यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थ बस इतना है कि जबरन रंग लगाने वाले एटीट्यूड में एक बड़ी समस्या छुपी हुई है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। छत पर होली खेलते ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, सड़क पर से निकलने वाली लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, और होली के पहले या बाद के दिन, चाहे वे नौकरी करने जा रही हों या कॉलेज में पढ़ने जा रही हों, उन्हें पिचकारी और गुब्बारे मारे जाते हैं, और पानी पड़कर पारदर्शी होते उनके कपड़ों को देखकर आनंद लिया जाता है। कैंपस में उनका हाथ पकड़ उनके मुंह पर रंग लगा दिया जाता है, बिना उनसे पूछे कि अगले पुरुष के स्पर्श से वो सहज हैं भी या नहीं। सब कहते हैं बुरा ना मानो होली है, भाभी देवर जीजा साली और तमाम डबल मीनिंग मजाक कभी कभी अच्छा लगता है अगर दोनों पार्टियां सहमत हो। पर भाई, हमारी फिल्मों और गीतों ने तो हमें यही बताया है कि होली न खेलने वाले की ना में भी हाँ होती है। पर इस बार मसला लड़की या लड़के होने का नहीं है, धर्म का है। होली को लेकर हमारी समझ ये है कि सबको खेलना चाहिए, धर्म जाति लिंग भुलाकर। ऐसे में होली खेलने से बचता हुआ बच्चा स्पॉइल स्पोर्ट सा लगता है, पर बच्चे को क्या चाहिए इस बात से किसी को मतलब नहीं है। देखने में वे बच्चे बेहद मासूम लगते हैं जो एक मुसलमान बच्चे के साथ होली खेलना चाहते हैं, पर जो सोच उनको बड़ा कर रही है वो मासूम नहीं है। वो सोच असल में ये है कि अगर यहाँ रहते हो, इस सड़क से गुजरते हो, तो हमारे गुब्बारे बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। जैसे आजकल एक बड़ा समुदाय कहा करता है कि इस देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर सर्फ एक्सल को बॉयकॉट करने की अपील करने वालों का कहना है कि क्या मुसलमान का बच्चा एक दिन हमारे त्यौहार में शामिल हो जाता तो उसका कुछ घट जाता, क्या उसका धर्म खत्म हो जाता। अरे जनाब, आप बताइए, 100 में से एक व्यक्ति पर अगर रंग नहीं पड़ता है तो क्या आपका धर्म खत्म हो जाता है। जो पढ़कर सबसे ज्यादा डर लगा वो ये कि ये एड लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। लव जिहाद तो अपने आप में ही एक नफरत फैलाने वाला कॉन्सेप्ट है, ऊपर से उसे बच्चों के रेफरेंस में देखना और भी खतरनाक है। एक बच्ची को एक बच्चे की मदद करते देख उसे प्रेम संबंध कहना, कम से कम कहूँ तो ये एक नीच बात है। ये वही कुंठित सोच है जो बचपन से ही लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से इतना अलग रखती है कि वे कभी एक नॉर्मल दोस्ती में ढल ही नहीं पाते। उन दोनों के बीच की दोस्ती हमेशा हमारे मॉरल स्ट्रक्चर पर खतरे की तरह मंडराती रहती है। एक बार फिर से ऐड देखिए, इसलिए नहीं कि ये ऐतिहासिक है, ये ऐड महान है, ये ऐड फिल्म्स की दुनिया को बदल देगा, इसलिए नहीं कि ये कोई वर्क ऑफ आर्ट है, इसलिए देखिए कि आप जान पाएं कि अगले से इजाज़त लेने से ना आपका पौरुष घटता है और ना ही आपका धर्म खतरे में पड़ता है। मैं ऐड में उस बच्ची को देखती हूँ, ये शायद साल 2019 ना होता और धार्मिक विवादों से इतना रंगा हुआ ना होता तो इस विज्ञापन के मायने कुछ और होते, आज कुछ और है। ये किसी सेक्युलरिज्म का दिखावा मात्र नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि बिगड़े हुए माहौल में
भी एक नन्ही बच्ची हमेशा रहेगी हमें अपने पूर्वाग्रहों और बेवजह के क्रोध से बचाने के लिए। मैं बड़ी होकर यही बच्ची बनना चाहती हूँ। ये वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द ललन टॉप को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी का निशान दबाइए ताकि समय पर आपको हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हमारी ऐप भी आ चुकी है, इसे आप प्ले स्टोर पर जाके द ललन टॉप के नाम से सर्च करिए और फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।